पेड़ को जदों होली जेले ने मेरा ना मैं था मर जानिया है मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी जिंदा रहेगी हो के वो देखो मेरा खाना गया पूरी कौम का ही ऐलान आ गया इमरान आ गया वो देखो मेरा खाना गया छोटी सी एक बच्ची हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े इसी तरह एक बड़ा काम सर अंजाम दिया है मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इन्होंने इमरान खान साहब पर गाना गाया जिससे रातों रात चुटकियों में वायरल हो गई जानते हैं इनसे कि फेम के लिए सारा कुछ किया गया और इतनी छोटी सी उम्र में कैसे गाने गा लिए इतने और इतना प्रोफेशनल गाना पहले आप गाना सुन लें कौम को ऐसा जोड़ दिया वो जो खौफ का बुत था तोड़ दिया बस कौम की आखिरी उम्मीद है तू बस कौम की आखिरी उम्मीद है तू सबसे पहले आवाम को अपना नाम बताएं बरीना नदीम अच्छा मुझे बताइए कि ये कि खान साहब पर ही गाना क्यों गाया क्योंकि खान साहब मेरे फेवरेट सियासतदान है क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो बेस्ट लीडर हैं क्योंकि हम सब बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो इस दौर में अभी क्यों कोई किसी अपनी अपनी सबको पढ़ी हुई है तो कोई किसी के फ्यूचर के बारे में क्या सोचेगा तो खान साहब सोच रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है अच्छा मुझे ये बताओ कब पता चला कि मेरा जो गाना है रातों रात इतना वायरल हो गया है कि हर इंसान ने देख लिया हाँ जी मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे होती हूँ एक्टिव तो इसलिए मुझे सबने बताया भी कि तुम वायरल हो गई और तुम्हारी वीडियो इतनी माशाल्लाह से PTI ऑफिशियल ने अपने अकाउंट पे लगाई खान साहब ने ट्विटर से शेयर की अपने अकाउंट पे तो मुझे तो समझ ही नहीं आई मैंने कहा वाह मैं इतना ज़्यादा वायरल हो गई जितनी आपकी दोस्त हैं उन्होंने कैसे इसको देखा और सराहा दोस्तें कहती थी यार तुमने इसकी वीडियो देखी थी यार ये तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और कहती थी मामा ये मेरी फ्रेंड है और उनकी मामा मानती नहीं थी कि ये तुम्हारी फ्रेंड है ये पढ़ ही नहीं सकती तुम्हारी जब तक मेरी शक्ल ही ना देखती थी उनको यकीन ही नहीं आता था कुर्बान हुए करोड़ रहते हैं मैं बोल दे चोट से लौट रहते बड़े छोटे दाब से कोई नारा को नूपर है प्राउड रहते दब गया है न चुरा है पाया है न चुरा तो है मुल्क बचान वालिया ज़्यादा तेज़ बनती हैं तो अभी इनके साथ एक टिकटिकी लगानी है अभी मैंने आपको एक जुमला बोलना है पांच बार आपने जल्दी जल्दी में बोलना है ठीक है नहीं अच्छा पक्के पेड़ को पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता मुझे मैं नहीं कर सकती पक्के पेड़ को पकड़े पिंकू और पिंकू ने पकड़ लिया इनको अब पिंकू इनसे पूछेगा कि इतनी छोटी सी उम्र में और पॉलिटिशियन आपको कोई नज़र नहीं आया खान के गाना क्यों गाया अच्छा मुझे बताओ नवाज शरीफ साहब हैं उसके बाद शहबाज शरीफ मरियम नवाज बिलावल भुट्टो और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं उनकी तरफ ए खान नहीं तो कौन बे बोल
बोल खान नहीं तो कौन बे, बोल 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 खान नहीं तो कौन बे, है कौन इधर? मैं नहीं बोलता। नहीं तो कौन? कप्तान का आशिक था दिल, अरे मार दिया तुमने मिलके उजड़ा वो घर जो हंसता था, कप्तान का आशिक सच्चा था। कप्तान के लब में काता था झंडा उसका लहराता था, एक बात बता दो बस मुझको किसको नुकसान पहुंचाता था। हूँ इसका अर्ग लाएगा, ये जुल्म का दौर बचाएगा, इंसाफ की किरणें निकलेगी चार सू। अच्छा मुझे बताइएगा, ये सॉन्ग किसको देख के आपने गाना शुरू किया या किससे इंस्पायर हुई? मैं ना, मेरी जो इंस्पायरेशन है ना वो मैडम नूर जहाँ है, तो उनसे मैं देख के मतलब इंस्पायर हुई। तो अभी मैं आपको सुना देती हूँ उनका जदो होली जी लाइन। जदो होली जी मेरा सुनी तुक मेरी सुन कदी हूक वे, मैं था मर जानिया। अगर आज नूरजहां साहिबा जिंदा होती तो वो कहती कि मेरी कोई सेम आवाज की कॉपी पाकिस्तान में डुप्लीकेट हो चुकी है, बिल्कुल प्रिंट निकला है मेरे ख्याल से, तो क्या परफॉर्मेंस आपने की? नाज़ है इस कौम को तेरी उड़ान पर, कुर्बान है ये जान भी मरान खान पर, हमरा तेरे लोग का तूफान आ गया, ओ हमरा तेरे लोग का तूफान आ गया, इमरान आ गया, वो देखो 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 मेरा खान आ गया, वो देखो 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 मेरा खान।